नमस्कार दोस्तों, मैं अंकित एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल अंकित वर्मा ऑल एचपी नोटिफिकेशन में। तो दोस्तों, जैसा कि आप थंबनेल पे देख ही चुके हैं कि हिमाचल प्रदेश में जो है हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन द्वारा जो है 72 वैकेंसी जो है निकाल दी गई हैं अलाइड सर्विस की, जो कि पहले 54 थी, तो उन्हें बढ़ा के जो है 72 कर दिया गया है। तो इसकी जो लास्ट डेट रहेगी वो 15/1/2020 रहने वाली है। तो इसकी पूरी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ, तो वीडियो पर एंड तक बने रहिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करें, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया वो साथ में बेल आइकन को दबा लें, ताकि आप तक मेरी हर नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुँच सके। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, आप HPPSC की जो है वेबसाइट पे जाके नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। मैंने नोटिफिकेशन डाउनलोड कर ली है, तो मैं आपको इसमें बता देता हूँ कि कब ये नोटिफिकेशन जारी हुई है और क्या इसकी लास्ट डेट रहने वाली है। तो देख सकते हैं आप, हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन द्वारा जो है ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है आज 26/12/2019 को। तो इसमें बताया गया है, हिमाचल प्रदेश कोऑर्डिनेट अलाइड सर्विस पोस्ट क्लास 3 नॉन गैजेटेड एग्जामिनेशन 2019। तो इसकी जो लास्ट डेट रहने वाली है एप्लीकेशन फॉर्म भरने की, वो है 15/1/2020 11:59 PM तक। तो इसके बाद जो है इसकी वेबसाइट जो है www.hppsc.hp.gov.in। तो इसके बाद कुछ इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन दी गई हैं, आप इस इंस्ट्रक्शन को ध्यान से पढ़ सकते हैं पूरी नोटिफिकेशन डाउनलोड करके। उसके बाद जो है वो पोस्ट नेम और वैकेंसी जो है बताई गई है। तो सबसे पहले आता है आपका कोऑपरेशन इंस्पेक्टर, ऑडिट इंस्पेक्टर, कोऑपरेटिव सोसाइटीज, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस की जो है 43 वैकेंसी हैं इसकी, इसमें जिसमें जर्नल ओपन की 9 वैकेंसी हैं, EWS की 4 हैं और जर्नल WFF की 1 है, SC ओपन की 13 वैकेंसी हैं, BPL की 1 वैकेंसी है, ST ओपन की 1 वैकेंसी है, ST BPL की 1 वैकेंसी है, OBC ओपन की जो है 10 वैकेंसी हैं और OBC BPL की जो है वो 3 वैकेंसी हैं। तो इस प्रकार जो है टोटल जो है इसकी 43 वैकेंसी हैं। उसके बाद आता है आपका पे स्केल। तो पे स्केल जो होगा वो होगा फिक्स्ड कॉन्ट्रैक्चुअल अमाउंट 13,900 पर मंथ। उसके बाद आती है सेकंड पोस्ट आपकी इलेक्शन कानगो की जो है वो रहेंगी टोटल पोस्टें 20, जिसमें जनरल ओपन की 7 हैं, जनरल WFF की 1 है, SC ओपन की 5 हैं, SC BPL की 2 हैं, ST ओपन की 1 है और OBC ओपन की 3 और OBC EWS की 1। तो इसका जो पे स्केल रहेगा वो रहेगा फिक्स्ड कॉन्ट्रैक्चुअल अमाउंट 12,660 पर मंथ। उसके बाद आता है आपका इंडस्ट्रीज एक्सटेंशन ऑफिसर, कॉन्ट्रैक्ट बेस है ये भी। तो इसकी जो है टोटल 9 वैकेंसी है, जैसे कि जनरल ओपन की 4 और SC ओपन की 5 है। तो फिक्स्ड कॉन्ट्रैक्चुअल अमाउंट जो है वो है 13,900 पर मंथ, पे स्केल इसका ये है। और उसके बाद आता है पंचायत इंस्पेक्टर कॉन्ट्रैक्ट बेस की ये भी जॉब है। इसमें 2 वैकेंसी हैं आपकी, एक आती है आपकी जनरल ओपन में और एक है ST ऑफ HP के लिए। तो इसका जो पे स्केल रहेगा वो है फिक्स्ड कॉन्ट्रैक्चुअल अमाउंट 13,900 पर मंथ। तो इस प्रकार देख सकते हैं आप, टोटल वैकेंसी जो है 72 वैकेंसी जो है ये HPPSC द्वारा जो है निकाली गई हैं। इनकी संख्या पहले 54 थी, तो 15/1/2020 तक इसे भर सकते हैं। HPPSC की वेबसाइट पर जाके जो है इसे भर सकते हैं। फिर एलिजिबिलिटी कंडीशन बताई गई हैं या कुछ, वो आपकी पूरी होनी चाहिए। और उसके बाद एज लिमिट जो रहेगी वो रहेगी 18 से 45 ईयर, और जो कैंडिडेट की एज काउंट होगी वो होगी 1/1/2019 से। और उसके बाद आती है आपकी फीस। तो फीस जो रहेगी वो रहेगी जनरल कैटेगरी EWS की रहेगी 400 रुपये, और SC ऑफ HP, ST ऑफ HP, OBC ऑफ HP, PWD, SC PWD, ST PWD,
ओबीसी पीडब्ल्यूडी ऑफ एचपी बीपीएल ऑफ एचपी ईडब्ल्यूएस बीपीएल, इनकी जो रहेगी कैटेगरी वालों की इनकी रहेगी 100 रुपये, और जो एक्स सर्विस मैन वाले होंगे उनके लिए कोई फीस नहीं होगी। उसके बाद यहाँ नोट दिया गया है कि द कैंडिडेट बिलोंग टू अनरिजर्व बीपीएल कैटेगरी हु इंटेंड टू अप्लाई अंडर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी विल बी इंटिल्ड फॉर फीस कंसेशन एग्जाम्पल 1/4 ऑफ द फीस प्रिस्क्राइब्ड फॉर अनरिजर्व्ड कैटेगरी कैंडिडेट रेस्ट ऑफ द ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट हु आर नॉट फॉलिंग विद इन बीपीएल कैटेगरी हु अप्लाई फॉर वैकेंसीज रिजर्व फॉर ईडब्ल्यूएस ऑन द बेसिस ऑफ इनकम एंड एसेट सर्टिफिकेट शैल हैव टू पे फुल फी एज एप्लीकेबल फॉर अनरिजर्व्ड कैटेगरी देयरफॉर द ईडब्ल्यूएस कैटेगरी इज कैटेगरीज इनटू टू सब कैटेगरीज ईडब्ल्यूएस बीपीएल एंड ईडब्ल्यूएस फॉर फीस पर्पस। तो जो ओपन ईडब्ल्यूएस वाले होंगे उनकी फीस जो है 400 रुपये होगी, और जो बीपीएल ईडब्ल्यूएस वाले होंगे उनकी जो है 100 रुपये फीस होगी। तो इसमें जो नोट टू दिया गया है इसमें बताया गया है कि जिन कैंडिडेट ने जो है पहले फॉर्म भरा था उन्हें फीस दोबारा पेमेंट करना नहीं पड़ेगी, वो उसी फॉर्म से उसी आईडी से लॉगिन करके दोबारा जो है अपनी फॉर्म जो है वो भर सकते हैं। तो मोड ऑफ पेमेंट जो है आपकी ऑनलाइन होगी, और आप नेट बैंकिंग या डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड से जो है पेमेंट कर सकते हैं। और उसके बाद आपका यहाँ नीचे सिलेबस भी दिया गया है, आप इसे पूरी पढ़ सकते हैं नोटिफिकेशन में। तो दोस्तों मेन नोटिफिकेशन की जो है वो मैंने आपको बता दी है, वैकेंसी लास्ट डेट और पे स्केल, और जो सिलेबस है आप उसे खुद देख सकते हैं, ये देख सकते हैं आप सिलेबस फॉर प्रीलियम एग्ज़ाम और मेन एग्ज़ाम का जो है सिलेबस भी दिया गया है कि किस प्रकार का जो है पैटर्न आने वाला है। 85 मार्क्स का जो है आपका पैरामीटर्स ऑफ एवेल्यूशन रिटन मार्क्स होगा, और 15 मार्क्स की जो है आपकी इवेल्यूशन होगी। इस प्रकार ये टोटल जो है पूरी नोटिफिकेशन कंप्लीट हो गई है। तो दोस्तों यही थी नोटिफिकेशन, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें ताकि उन तक ये नोटिफिकेशन पहुंच सके। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।